पाठ 17 ईद। आज ईद का त्योहार है। छोटे बड़े सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। उन्हें आज ईदी मिली है। वे ईदी के पैसों को बार-बार गिनते हैं। इन्हीं पैसों से वे खिलौने, मिठाइयां और गुब्बारे खरीदेंगे। सबसे अधिक उत्साह उन्हें मेला देखने का है। अब्दुल भी आज बहुत प्रसन्न है। उसके पिता ने उसके लिए नया कुर्ता, पाजामा और टोपी बनवाई है। नहा धोकर वह भी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी बहन सलमा ने भी नया कुर्ता और सलवार पहनी है। वह गोटे वाली चुन्नी ओढ़कर बहुत खुश है। गांव से लोगों की टोली ईदगाह की तरफ निकल पड़ी है। साथ में बच्चे भी हैं। वे उछलते कूदते हंसते खेलते जा रहे हैं। सब लोग ईदगाह पहुंच गए हैं। वहां सभी ने पंक्ति बनाकर नमाज पढ़ी। नमाज समाप्त होने पर सभी गले मिले और एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ है। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजी हैं। झूले भी लगे हुए हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं। अब्दुल के पिता ने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। खिलौने की दुकान से अब्दुल ने सलमा और अपने लिए खिलौने खरीदे। सभी घर लौटे। अब्दुल को देखते ही सलमा दौड़ी। अब्दुल ने उसे मिठाई और खिलौने दिए। सलमा बहुत खुश हुई। आज घर-घर में मीठी सेवइयां बनी हैं। सभी सेवइयां खाते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इस ईद का नाम है ईद उल फितर। पर सब इसे मीठी ईद कहते हैं। शाम को
विनोद, कुलदीप और विक्टर अब्दुल के घर ईद मुबारक कहने आए। अब्दुल की मां ने उन्हें मीठी सेवइयां खाने को दी। ईद मिलन और भाईचारे का त्योहार है। कठिन शब्द ईद, ईद, ईदगाह, ईदगाह, ईदी, ईदी, पंक्ति, पंक्ति, नमाज, नमाज, मिठाइयां, मिठाइयां, त्योहार, त्योहार, मुबारक, मुबारक, ईद उल फितर, ईद उल फितर, खर्च, खर्च।